भाई मन मोती और दूध का इनका एक पाटे पीछे ये ना मिले मुन सिंचाई कर अलग बैठी गया वो मलिके और मानी लई लगा स्वामी बुरज जिनानी जीते बिज महाराज कमार राजकुमारी की झाकी में के निंगा गई और मलखान सबसे अलग बैठा कंबल उठे और उसने पहचान दिया। कहने लगी हे बांदी, ने बोली हाँ राजकुमारी, देखो जो ये महात्मा सबसे अलग बैठा है इसने बुला के लाओ मेरी ब्रज में। और रात के 9 बज रही और बांदी बुलाने जाती है और मलखान के धोरा आती है। बाबा के धोरे जा हाथ जोड़ के नमस्कार कर बांदी कहने लगी बल हे बाबा जी बातें छुड़ ले राजकुमारी तने बुलावे जल्दी चलो ब्रज के हाय वा बेटी है जम्बे की खुदकड़िया की बहन जरा। अरमल खान ने कंबल सिर ते नीचे करया कहने लग्या हाँ क्या कहा तेने राजकुमारी बुलाती है राजा जम्बे की कड़िया की बहन बिजमा वगैरह शादीशुदा लड़की है वह और वह उसकी बुर्ज सामने दे ये रही वो बुलाती है तेने। कहने लग्या चल मैं आता हूँ कह उसने नुका आता है बाबा जी। अब बांदी चल पड़ी और मलखान उठ के और पीपल के नीचे गया न बोला चाचा नमस्कार न बोला अभी के तो हो गया नाश मर गए सारे और नाकाम हो गया सिद्ध। कहने लगे वो क्या राजकुमारी बुलावे है बिजमा की बहन बिजमा राजकुमारी बुलावे है कड़िया की बहन राजा जम्बे की राजकुमारी। नो बोला रे ओ फूफा रे भगमा बाणर तू रात के 9:30 बज रे तू के महल में जागा तू नाश जागा के होगा मरवा नो बोला भी जाएगा उते चाचा मत रोको मने तुम्हारे तो बीच बीच का कपड़ो डुट के पड़ रहो मुद्दे पड़े सारी और आन के और कंबल ने धरे और मलखान चलिया और बांदी दरवाजे खड़ी हे राजकुमारी महात्मा ने कह मैं यो आया और कहा यो आ गया हाँ महाराज ऊपर जाओ। अब मलखान चलिया और बिजमा ने के काम करया देखा और घूंघट काट लिया और कुर्सी पर बैठी थी वह छोड़ दी खड़ी हो गई और मलखान देखे कहने लगा जा बैठ जाओ कुर्सी बैठो। कहने लगा महात्मा कुर्सी बैठते हैं बैठ जा ने बोली बैठ जा कोई बात ना कुर्सी के लेके बाजे बाबा जी ने अड़े रह गया बैठ जा और सौदा ना से मेरे धोरे ब कुर्सी मन ने छोड़ दी जा बैठ जा नहीं प
बकवास करती है बाबा जी हंसी बाबा जी बाबा जी मजाक कुर्सी पे एक बात तो बता मुझे कड़दागी बूझ तू यहाँ की लड़की है न बोली हाँ मकड़िया की बहन हूँ आ जाई बाबा जी राजा जम्बे की राज कर लगा बनोड़ बाबा जी तो घूंघट तो बहु भी ना काटे घूंघट काट दी ये क्या रिश्ता बना रही है तू न बोली खर जी साहब बाबा जी से ना तू उस मन बेरास है अब तू बैठ जा कुर्सी बैठ जा और मल खान का खट दे कहने लगे भी गया नास कान भी ना हला चुपते बैठ गया कहने लगी हाँ इबाने का बट्टा तो नहीं लाओगा कहने लगे किस तरह नहीं नहीं कह लाओगा छोड़ेगा ही बाने का बट्टा नो बोला नहीं लगाऊं तो एक बात पूछूंगी सच्ची बता देगा कती नो बोला बूझ देख बारात चढ़ी थी उरियलगढ़ से और वह बारात गई सूरजगढ़ और वहां पर हम नौथारी है सूरजमल के तो यहाँ खबर आई कि लड़की की शादी है और मंडे थी आ जाओ तो कड़िया चलने लगे मेरी माँ बोली छोरी ने ले जा भाई वो तो भाईचारा इस तरह और या भी खाया होगी उड़े जलेबी और या उड़े छोरी छारी आगा भेद हो जाएगा उड़े बहुत कट्ठी होंगी जड़ बात यह सक मेरे को मेरा भाई ले गया मैं गैल गई थी और हम थे उसके नौ थारी मंडे थी बोला अच्छा अच्छा आ कहे जा मंडी रहे तो वहाँ बारात आ रही उरियलगढ़ से और सुबह कहने लगे अब कवर कले ऊपर बच्चे बुला लो बरातियों के और वह कवर कले राजपूतों पहले सब जात में होता था लेकिन राजपूतों के तो पीछे तक भी रहा था कवर कले किसने कहा करते कि नादान बच्चे सुबह रोटी बढ़ती एक डेढ़ बजे इतने वो बुरा बारा खा जा लाडू डूडवा का 10-20 जलेबी तोड़ के घेर दे उनका वह अपना पेट गुजारा कर दो फरा पकड़ जा उन्हें कवर कले कहा करते अतः कवर कले पर बुला लो कवर कले पर नायिका बोला कवर कले पर भेजो बच्चों ने तई बच्चा का तो हुक्म था ये पर्वत है भी आगे अच्छे आगे 16-16 वर्ष के और बोला उड़े और कर दो अरे खाया उन्हें के उड़े तो सारे बच्चे से उड़े इकट्ठे हो गए आचार हम लड़की बतलाई कहने लगी ये बरात के बच्चे आ रहे हैं और जब ये कवर कले ऊपर तो चल रहे ना चिमनी कह के जूते मारो ये रोमते जा अच्छा बोला हम सारी छोरी जितनी ब्याह में जा रही थी और उनके घर की सब खड़ी होगी अच्छा तो जो बच्चा निकले ऊँह के सिर पे एक जूता मार दिया ओए अपने कोई रोपड़े कोई घना नदान था वो रोपड़े नहीं ना ही रोए चलिया जा अच्छा रह गए दो अच्छा दो अखा एक तो अरे कौन था और कौन था बोला कहे जा तू कहे जा मेरी समझ में आ जाएगी अच्छा फिर तो छोरी बोली गए बिजमा देख तू मारे मा तगड़ी और तगड़े तगड़े दोनों छोरे रह गए जूता मार सके तो तू मार सके और मैं ना गड़ा दी रंडा ने मन ने खोसड़ा ठाया 19 अंगल का कि जा आली का सूखा उड़ और मैं उन्हें लेकर खड़ी होगी मैं बोली आउन दो कुरसा और तू बोले आउत है बोला रे जूत मारे छोरी आगे वो बोला भाई लोग आएगा जूत लाग गया तो फिर छतरा पड़ते गया तो बोला तू पाछे ने मैं जाशू तू बोलिया वो बोला ना भाई पहला जागा मैं बोला रे बोठाड़ी छोरी राम खड़ी से बोला रे जब के गोली दे रही है वह छोरी और जूत ना लागण दू मैं उनका बोला तो दिखेरा जूत मत लाग लेने दिए शर्प कदे इज्जत का नाश हो जा ओ बोला यार तू पाछे न उठ गए और वो बोला ये हाथ को पर हाथ दर कर दू कौन ही कर ली बोले हाथ की कौन ही न्यू कर ली और सोला दर लिया ऊपर और वो उड़े तो जंप लिया उन्हें और मैं आगे खड़ी थी मैं तो इतने जूत ने ऊपर ने ना कर जी इतने मेरी छाती में गाड़ी दी और गाड़ते मेरा शर लग गया जाके मेरे ऊपर कूद गया मन ना बेरा वो कोडाने कूद दिया मैं छोरी अंठाई थी मैंने तो फिर कई घंटे में होश होया था इसी कौनी मार गया मेरे अको दर्दीपता ही नहीं मिट लिया इबी चमक लाग जैसे मैं न्यू बुझू सू को था कौन भाई मलखान बोला हो जपेट में तो आई थी
वो मेरा भाई था छोटा, बोली देख मैंने तुझ दिन नेम कर लिया था शादी हो और तो हो ही थे और न जन्म कुआरी रह जा, मन ने तो पति बना लिया था उन दिन ओ बोला जी वो तो मेरा भाई से छोटा हुई देरा जो थारे भौरे में पड़िया जी फिर थारे न्यू ब्याह होया करे अकबलड़ा तो भौरे मर बनड़ी बांध बैठ गया बोली ना न्यू तो कितने बिना होते तो फिर तू शादी करवाना चाहती है और तू ताड़े की जामनू से है तन तो सब जगह भेद है ने बोली हाँ तो फिर वो भौरा बता और हम उन्हें काटा और फिर तड़के ढोल बजावा तेरे ब्याह का और तने ब्याह आऊँ फिरूँ के कहने लगी नहीं 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 छल से बात कर रहा है ना ले काट दिया तुम ले कर नंडा कहाँ जाओगे पाछे ना देखो नो बोला सुन तने नाम नहीं सुना होगा मेरा नाम है अमल खान मैं उससे बड़ा हूँ और देख जो हाँ कर ली वालों की लकीर है आई समझ में अबर तू कहने लगी देख तेरा दे धर्म जाने बेदन तो मैं हूँ वो तुम्हें बता दूंगी अबर धोखा मत करिए न्यू तो बोला रे सोने बोली मैंने न्यू घूंघट काट दिया था तू मेरा जेठ से बड़ा से थे ओ बोले मान गए न्यू की न्यू से तने ठीक का पर्दा करया जेठ लागू मैं तेरा ओ मेरे छोटा से वह बोली तो ले आ आगे आगे बिजमार पीछे पीछे मलखान उन जाके अबल दिखे यो सो भौरा ई माँ पड़िया से ओ बोला बसीब तू जा कर आराम मैं खटका और से आ बोली जहाँ ते गी मैं अपरा मेरी गल ए देखे यो कमरा बन रहा ई माँ भाई रोई जोगणी से हाँ सहजा जोगणी जादूगरनी उनकी दवाई से मार दो रहे उनकी बात दवाई संगा दी उन्हें जो पकड़ा था उतरा भाई नो बोला हो न तो दे में भी कम कर दे अमल खान बोला नो बोले पढ़ते ही दवाई नाक के ला दी नो बोला हुई की भी दवाई से बेफकर रहे तू तो बताए जा तू और खुटे बाओ वो भी बता दे हमारा सामान बहुत आ रहा है नो बोली खंडन तो मेरा भाई शर्त दे के सोया करे नो बोला अच्छी बात और तो बता के भेद और बिजमा अपनी ब्रज में चली गई और अमल खान आया कर लगे बैठे हो लो रे रखे हुए रो बोला भौरे की मादम पाट गई ओ डाकू रे उठिए तलाशी तो बोला की बनी न बोला चाचा बढ़ गया काम उदे राज काट डांगे भौरे ने देख कहा सुमें वह छोरी बताएगी जम्बे की न बोला रे बढ़ गया काम डाकू बनाओ या बात सब उदे राज निकालते हैं ले जा भौरा बन जाता पहले देख गया था मलखे जाकर बता दिया पहले और फट दे शीशला हटा ली ये बात है डाकू भौरे में बढ़ गया ऊपर बेटा बछरा जाकर डाकू भौरे बीच गए फिर आवाज दई बौने नर उदल दिए आवाज जरा आवाज निकाली जब जूदल ने डाकू दूर पहुंचाता फट दे काटी उकी हतक निर्गल का तोक दिया ने बज्जर काट दिया कड़मा तर फारे करया बुदे चंद सीढ़ी पर कह जल्दी चढ़ जा आगे खड़ा वीर मलक सीढ़ी पर कह यूदल चढ़ गया फिर उदल ने फिर मलखे ने खींच लिया फिर डाकू निकला भौरे चर बहुत हो गई खुशी तीनों चाल पड़े भौरे चर रस्ते कह माँ कहन लग रे डाकू मेरी बातें सुन ले ये कमरा जोगण का यार डाकू बोला तुम चालो मैं आमूंगा डट कर के
दोनों निकल गए वहां पर से और पीपल के नीचे। अब डाकू बढ़ गया कमरे में, मैं दो गज लिए काट भग है जाखी के माँ के निकला। जोगन सोवे चरपाजी पर फिर डाकू की पड़ी न रस्सा पूर दिया ऊपर के अच्छी तरिया बांधी वा। फिर वा बेबस कर कहने उस चरपाई में दही आग लगा। साहब जाखियो न बंद करके आग लगा दी उगे गुदड़िया में और पट्टा भक्कड़ और ऊपर का रस्सा जुड़ दिया खाट के गए और बूंद के खिड़किया ने अड़ा कुबार खड़ा हो गया और पट्टा दमीड़ और धुमा दुमार लेकड़े ना और माँ भस्म होगी। और जब कति ने देख लिया खोल के खिड़की का चरपाई भी जल दी जब भाजा उड़े थे आण गबला भी काटिया रोग और खिड़की ने कराया सु बंद। बोला के करया आग ला दी सुसरी फूक दी फूक दी न बोले रे मान गए डाकू न बोला एक गेड़ा इम महल का लाया हूँ अरे खंडा बिजली से कहने लग गया नहीं नहीं ताला से बोला नहीं भाई मालूम पाट जाएगी। न बोला ना और मेरे भी तो मैं हाथ पल्ला पड़े न बोला भैया न बोला लियाऊ को ना कुछ मैं चेटक दिखा कहूँगा। न बोला तो भाई बिजलिया खंडा है मलखान बोला बिजलिया खंडा चाचा सराहने दरे से बाप बताओ थी। नो बोला रे डाकू ने लिए नो बोला उन ना छोटू जब सराहने दरिया होगा ते और बिना है दरिया होगा तो मैं करूँ के आप वहाँ पर वह लेट जाते हैं और डाकू बना जिनाने में घुसते हैं। डाकू बढ़ गया यान महल में अरे जनानो का दर कड़िया सोवे चौक के अंदर रानी भीतर सोवे। पहले तो कड़िया को देखा सोवे बेटा रे जम्बे का गाफल पड़ा नींद के अब जल्दी से रे कड़िया का शर्ते नीचे काट ली। पहले साफा उसका काटा फिर खांडे पे गई न ओ भी कर ली ना काबू में फिर भी तरकी बड़ी सलाह सोवे रानी कड़िया छिंकी बिल्कुल खबरगात की ना। उसका लहंगा उठाया सिरहाने से और आन के कड़िया के सिर के नीचे लगा दिया और उसका साफाऊ के सिर के नीचे ला दिया और फिर कहने लगा यार चेटक तो दिखाओ। तवा पड़ा तो मुद्दा घेर लिया घेर के पानी काला हाथ करके और पहले तय रानी के मुंह का लगाया और फिर थोड़ी रहेगी जो खड़िया ही मुंह कान ली प्या दोनवा मुंह कड़ा करके और कपड़िया की अदली बदली कर और बिजलियां खंडे लेके और डाका गया और जाके कहने लगा राम राम भाईयो। मलखान बोले आ गया कहा अरे खंडा ले यो ये था के शर्तल थे यो ये था भाई मैं तू एंठा लिया। न बोला रे मा ताला बोला रे मान गई। मलखान बोले हमने देखा नहीं था भाई। न बोला रे मन देखा था लिया हाँ मिल गया भाई खंडा बूनी होगी दो चीज तो मिल गई इब कहन लग गए आप पर यो चानस बांदी ने देखा था जो मलखान बतलाओ था वो बांदी उस टाइम पर अदालत नहीं खुल रही थी और नवा जिब्बर रिपोर्ट करे इब दरबार खुले 8 बजे अब बांदी बिजमा से खिलाफ रिपोर्ट कर जाती है दरबार के अंदर। हाल चुनो बांदी कर मर्दो करके ख्याल बल ये कहती हैं बड़े बड़े रे
बनिया बिन बनज बनज बिन बनिया बिन बनिया बिन बनज नहीं तालब बिन तलब तलब बिन ताल बिन तालब बिन तलब नहीं आशिक बिन इश्क इश्क बिन आत बिन आशिक बिन इश्क नहीं खासी बिन खुशक खुशक बिन खासी बिन खासी बिन खुशक नहीं जालम बिन जुलम जुलम बिन जालम जालम बिन जुलम नहीं जुलम करने की खातिर तेरे भाई की पड़ी वाने रे भा मारी धवा तेरे फड़कड़िया कह राजा मांडू के छर क्या बैठे हो गजब गुजर के बेशमना कह बाबा जी कर बड़ रे मोबे के छर भेद भाव लीना बिजमा से सारा भेद शहर काले गे उर कैदी को लिया ने क्या बैठे हो अमन चैन में घेर ले वो जल्दी क्यों ना आर कड़िया ने रिपोर्ट मिली कहने लगा हो अरे सूरजमल आप एक भाई से बड़ा और दो छोटा सूरजमल सबसे छोटा टोडरमल था उठ के कहने लगा ओहो मोबिया हैं महाराज राजकुमारी से बात कर रहे थे और मैंने खुद बाहर खड़ी ने सुना और वह तो मोहब्बे के हैं मलखान है वो और भौरा माँ से काट लिया कैदी भी और वह तो भेष बदल रहे हैं और एकदम राजा जम्बे का बड़े से छोटा लड़का और हथियार लगा कर वर्दी लगा कंबारी में बैठ गया और 500 जवान साथ लिए न बोला किसी की जरूरत नहीं है एक एक की खोपड़ी गिन लियो अलग अलग अब वो लड़का चलता है और पीपल के नीचे जाता है भगमा बाने मैं मिल जा नगरी के काट खोपरी दूर बगा दो को दे रहम करो मत शहना कोप गई लड़के की रवाज गई जोगी के सोए बोली मारी उदल न और वो और लाखन से कहने लगा जल्दी पकड़ो हथियारों को मौका फिर मिलेगा फाटक बंद शहर का हो गया बाबा बीच लिए गिरवा हथियारों को छुपा रहे थे सबने सूत लई तरफ हंडा पकड़ा बगमल खेना और लाखन से कहने लगे तेरी बगल में जल्दी आ जा तीनों जुट गए एक बगल में उदल और कनौ जीरा है बीच में सरसे वाला सेना को पी सूरज मल की होम उठ बैठ गया तल बाजन ते गाला गया फिर मरदा वे सारों कहवा सूरज गया सना खाक अकल बिगड़ गई राजकवर की बस की बात रही कौन है दिमाग फैल होली ना उनकी तरफ लखा के हट गया उल्टा रे जम्बे कर वहां से भाग पड़े पले सेना माते साफ निकल गिरे दरवाजे पे पहुंचे फाटक बंद मिला बांडो का मर्दो दूंगा बात बत जड़े मूछले फौलादों के दौरे कल फल पेटे खा काला सिद्ध बोला रे फाटक तोड़ो फाटक फाटक तोड़न लागे उदय राज का घमंड था मारा थे गा भट दे टूट गया क्योंकि अशदात का मूछड़ा अफौलाद का और वो घाज रख्या दोनों तरफ से
और बस जो कोई तेगा मारे वो फट दे तेगा टूट गया। कहने लगी बड़ा गजब होया। अरे ताला सीत बोला अल्लाह ते ओ बेटे अरे बिजलिया खांडे से तुम काटो इस अठ दात के मूसले ने। चाचा बोला चाचा मन्ने तो मंदिर में वरदान मिला रे जब मेरे फूफात ने जीव का वरदान मिला था लोह काटने का भी कहा था लोहा काटना है और नहीं घिर गए और जय मालम पाट की दरबार में तो सारे आ जाएंगे। सूरजमल तो जिंदगी मान गया वो तो हट गया गीत और जब और तीन आ गई तो फिर आरा लाने सुमरण करके भवानी कर गाड़ के गोडी बिजलिया खांडा और मारिया दाब के औलाद का मूछड़ा काटा और फटक तोड़िया और दैड़ पड़िया फट और मोहबिया फैड़ दे भाज गए और सिया नंजना ने बाणी में और वो उड़ गया घेर लिया। और बोला ए मामा मैं रह गया। लखन बोला रहो नाश गया रहो छोरा छोड़ दिया रहो दे राज अरे उल्टा फिर मैं तेरे गैद रहूंगा तेरे चोट नहीं लागने दूर तू मैं तेरे ऊपर ढाल रखूंगा और तू छोरे ठा। फिर गए दोनों लखन उसके रखवाला और वो दगदगा के भीतर बढ़ गया सियान की भरके कौड़ी कान दे धरे और भाई एकदम चौगड़ दे दे सेना का पाट्या पा और घेर लिया। पर लखन चोट तो नहीं लागण दे इधर से इधर इधर मशाल चीनाई वहा करता है तरवार का बचावनिया बड़ा लखन था और बचा के चोट अरुंदरवाजी पे काट लाया और उन्हें मर्ड मारिया बाहर निकल गए। ने बोला रहे ही नाड़िन तोड़ देख लटपट हो रहा बड़ नाड़ा थोड़िया और वह काट घाघरी दोनों और सियानंद हो गया चणु सांप का छड़ी गिर रहा से। और ने बोला हाँ ने बोला बस मामा ही भी नहीं ठहरिया मैं ई वो तो कच्छा पैर रहा था नीचे और रोग था काट दिया जाने कपड़े बाप पैड़ गया चोली चाली ने और फट दे निकल गई और पाट्या खुर लिया। बोला गए भाई जाके रिपोर्ट दे। सूरजमल बोला कोई भी ना आया। अरे बोला तू के कह गया था। अरे जी बोला मन ने बेरा था वो तो बिटचो सारे आ रहे थे उदयराज और मल खान और था वो खनबज वाला भी गए ले रहे भाई उड़ता है बके था उन्हें तो घमशान गाल दिया और बिजलिया खांडा भी चल रहे था उड़े। बोला वो भी ले गए कड़िया सूता उठा तो क्या देखा रानी ने झुक के देखना की कहने लग गया थोड़ी शाही डाला करो। न बोली जब लगाई तो गल आया करो तू भी क्यों गाल रहा से जब कड़िया ने मुंह देखा तो काला मुंह का भी हो रहा। मैं कहने लगे ओ हो गया तो पता तार गया था दीवार पे ने गा गई तो पूरा एड्रेस तार गया। बोला मैं ऊंडा कुकुरियल वाला बोना ए भाई थारा ले कुछ नहीं गया बिजलिया खंडा मो भी तो ले गया और तारा सुरमा गाल गया लिया तो मालूम होगी कहो को डाकू साथी हो रहा है। बच्चों दे टूट के बकड़िया का आग लाग गई मुंह धोके और दरबार में आण के और कहने लगे अच्छा ये बीड़ा मैं गेरूंगा और चाबू भी मैंगा आप कड़िया लड़ने के लिए और तैयार होता है। छोटा लड़का टोडरमल कहने लगे नहीं बाई नंबर तुम अभी बीड़ा डालो। अब कड़िया बीड़ा डालता है और किस तरह छोटा लड़का तैयार होता है। सेना लेकर दे जंबे का छोटा कवर खेत में जा झंडा गाड़ दिया टोडर ने ऊपर धजा दी बंधवा कर ऐलान दिया लड़के ने जल्दी चलो मना फलरा। जहां बना फल आला बोला पान मंगा लो बीड़ा बना दिया आला नर भरी शुभा में टेक दी चलो बहादुर मोहबे वालो। छोटा लड़का रे जम्बे का गर्द रहा खेता के
उदल उठा कुर्सी पर तरजाड़ बीच कह हुया खड़ा लखन बोला ठहरो ठहरो छोटे वीर बुदे चंदरा है बरनी है लखन सिंकी टोडर मलवाले मुंडे पर देखो हाथ कना जी वर्दी लाली फिर यो धाने बढ़ गया अंबारी कैम सैना ले कह कनवजवाली लखन कुछ गया कर चला खाना लखन का वो सड़क पे दिया चढ़ा मलवाले मोंडे पर सुनमक गई कनौ जीरा असनी रोक दई जो धाने सूरत देखी जब लाखन की टोडर मल ने कहा सुन तुम कैसे लड़ने को आजे जो धाकन बज के सर पैसा देंगे ब्याज लगा कर ऐसा जुल्म करो मतना हम तो तेरी बने असामीर उनका साथी आन बढ़िया कहने लगा भाई साहब बात सुन ले मन ने पैसे की जरूरत नहीं है तने 12 साल से रोक लिया और मन ने आन के सवाल नहीं किया ई मैं क्या करूंगा पैसे का मन ने पगड़ी बदली विदेराज से गंगा जी के जल में खड़ा होकर और हमने कर लिया वादा और हमने गंगा जल के जल का आचकन देकर नेम उठा लिया धोखा करेगा और नमक की ढाल गड़ जाएगा ए भाई मेरा तो धर्म का भाई विदेराज है और उसका बाप तने मार के और खोपरी के लिए टांगी तो राजा जम्बे का सिर काट के और तू ले आ और मैं उन्हें समझा कर उल्टे ले जाऊंगा मैं इसलिए आऊ मैंने पैसे की जरूरत नहीं है। कहने लगा शेर अपने बाप का काट के ले आए न बोला और उनके बाप का भी काटा था वो मांग रहे हैं और भाई मैं इतना आया हूँ समझाने इसमें नुकसान ठावेगा नो बोला रे आज तक किसी ने अपने पिता का सिर काट के दिया भी है मेरे से कटवाता है नो बोला भाई काट दिया कि समझदार है और बेकूफ करा कर नास तो तू न्यू कर मैं साथी हूँ मोहबिया का इब तू संभाले और करते ने जो कुछ करना हो और मैं सिर जरूर तेरे से मंगवाऊंगा बस शाबाश बातों में बच बड़ी ग्यार बातों में बन गई तकर बातों बातों के जर से मर दोनों काल वरन हो सूता तेगा फिर जो धाने टोडर मल ने लिया वट मारा घुमा के दोनों या था यंबारी के बीच बल गजब खिलारी कनवज वाला सीधा लौट गया हो दे मर अपनी जिंदगी गया बचा का सेल सनी चल टोडर ने लिया वो सर्कल दे के मंडा घुमावन डर के फेंका अंबारी मर बैठे जहां के नौजी डाली अड़ा गया कनवज वाला खाली चोट दई बचवा आग लाग गई टोडर मल कर बल माथे के बीच में कोता लिया विलायत वाला सर्कल दे कह दिया बगा अब कोता चाला शन्ना कर अंबारी की तरफ बल आता देख लिया लाखन ने ओट पकड़ गया फिर कल से किर मुँह या गल ही डाल अड़ा
आखने अंबारी मैं हुया खट शमलो बेटे यो जंबे के मिलना होता घर पे जावो और कुन बीते मिलके नहीं तो तरसेगा फेटन ने मेरी चोट टूटेगी ना। अब ये कह कह गुर्ज उठा ली सर्कल दे कह गुर्ज घुमा दी मर्दो अंबारी के हाथ जनेबू का धर फे क्या आडी चली गुरज की माँ जालम गुरज चली शन्ना कर पड़गी अम्बारी के बांबी पसली पै जाती किर देनी पसली निकली आधा जवान रहा हो दे मर आधा पड़ा रेत के माँ टुकड़े बीच से आधा मारी माता नीचे पड़ा अल्लाह खन्ने लिया जंप अम्बारी में से और उसके धड़ पर से शीश फट काटा और दरका हाथ पे खड़ा हो गया और सेना कुरल जा पाटिया भाग पड़ी और लाखन बोला जीत के नकारे बजा दो सुमना हथनी को फेर दो हथनी फिरगी कैंप की तरफ और जीत नकारे बाजे और लाखन शरना हाथ में ले रहा और चल पड़ा सेना भागी मांडूगढ़ की तरफ टोडरमल की और उदयराज और कैंप के नजदीक लग्या लाखन जब उदयराज ने देखा ओ भाग गया भाग के और नदी का कहने लगा रहे ओ भाई ले बुढ़े आश्र मांगो थे जवान का लासु सबसे छोटे का टोडरमल का शेर है जो और उदयराज ने भटका कौड़ी कंधे बैठा लिया नो बोला रे यार होते ये हो और लेके कैंप मार के टेंट में तारिया और कहने लगा लो रे अल्लाह थारे तो बुढ़े आश्र कटिया था और 17-27 के बेचारा छोटा लड़का है ताला सिद्ध बोला रे यार होते इसे हो और न ते बस्टाल हो गया अबर न्यू करो आके शरने मोहब्बत भेज दो जो राजा चंदे लेकर तसली बन गया के बदला ले लिया है बाप का शियानंद पालकी में शरदर के चलता है सेना ने रिपोर्ट दे दी दरबार में कड़िया से अक मार दिया टोडरमल कनवज वाला लाखन मार गया और शरने काट ले गया और बस के था और फिर माहल भाग्या वहां से आन के कैंप में बोला रे बेटा मैंने न्यू आंगली लाई थी और मेरे भड़ैया बदला चुकरे उतर गया तुमने बड़ा काम कराया मेरे भड़ैया बदला लिया उनका 17-27 के बेचाले मारिया वो बुढ़े ने के मार के लो है और छोटा लड़का टोडरमल मारिया नो बोला अब तो बस सरजपूती ने नाश गया था वो तो फिर साफ होगी अग मामा बस साफे से मामा यो मोहब्बत भेजते सर चाचा के तसली बन जा और बुढ़िया खुश हो जाएंगी बदला ले लिया और ले गया उदय कोर का कर लग गया मैं फेर कड़िया की कड़ थेपड़ू से ऊन और खंदाऊंगा ऊन और ले लो बोल के उदय राज बोला मामा तू कड़िया न खांदा और माहल क्यों जा था कड़िया दो रे माहल तो उनकी आंख बचा और मोहब्बे ने हो दिया घोड़ी पे शाबाश और पालकी से भी नीच पहले आ गया महल बढ़ गया गड़मा में मैं दरबारों के बीच में बुधा राजा पड़ा फरस पे चंदेला परमाल बल जाकर बोला कुरियल वाला ओ महाराज चंदेला है मेरी गलती मोटी बनगी जो लड़कियों को छेड़ दी जुलम बीत गए गड़मांडो मर ऐसी कभी बनी कौन सिर काटा जाते हैं जू दल का अवे खोपरी तेरे बेटे की बैठा होकर देख जर पटिया कुरलिया दरबार मर चंदेला रोया बेत हिड़की बंदगी जब राजा किर रोता गया महल के जा बतला जी फिर तीनों से मर गया मेरा बुदे चंदला लाश आ रही है बेटे की कैसे जीवोगी निर्भाग ये जिक्रा महल में हो लिया और उदय कोर का मोहब्बत बढ़ गया और बांदी आ गए खड़ी सारी बुढ़िया की बांदी जो और कहने लगी किसका सिर ले रहा तू अगर राजा जंबे के छोटे लड़के का टोडरमल का मेरे मामा लाखन ने काटिया और मैं देन आया सू किले पर लावांगे आर बस के था
ਹੋਏ ਬਾਂਦੀ ਭਾਗੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਏ ਕਸਾਉਣ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਬੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਰਿਹਾ ਸੈ ਬਾਣਜਾ ਔਰ ਚੰਦਲੇ ਨਾ ਮਾਲਮ ਪਟ ਉਹ ਬੋਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੜੇ ਸੈ ਇਸਕੀ ਸੀਤੀ ਹੀ ਕਰੂ ਬੇਈਮਾਨ ਰਹਿ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਬਬਨੇ ਉਹਗਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿਆ ਕਰਤਾ ਪਾਤੀ ਪਤੰਗਾ ਗੇਰ ਕੇ ਔਰ ਦੇਰ ਲੈ ਥੱਕਦੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਸ ਚੰਦੇਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਿਆਨਤ ਸੇ ਨੋ ਬੋਲਾ ਨਾਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਲਾਖਨ ਨੇ ਸਿਰਕਾਟਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਕਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਲੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੋ ਚੰਦੇਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਜੰਬੇ ਕੇ ਲੜਕੇ ਕਾ ਮੁਹੱਬੇ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਟਾਕਿਆ ਔਰ ਬਦਲਾ ਉਤਰਿਆ ਪੇਟਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨੋ ਬੋਲਾ ਈ ਘਬਰਾਓ ਮਤ ਨਾ ਵੋ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅਰੀਬ ਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਛੂ ਸਭ ਬਾਤ ਬਤਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾ ਵਾਪਿਸ ਔਰ ਫਿਰ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕੜੀਆਂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਅਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਬੱਪਾ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਡਾਲੋ ਇਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੜੀਆ ਵਰਦੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇ ਬੋਲਾ ਜੋਗਣ ਨੇ ਬੁਲਾਓ ਜੋਗਣ ਦੋਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋਗਣ ਕੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਵਾ ਤੇ ਜਲ ਗਈ ਰੇ ਕੁੱਕਰ ਚਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚੋਦ ਵਾ ਨੇ ਬੋਲਾ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੀੜੀ ਬੈੜੀ ਪੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਕੇ ਆਗ ਲਾ ਗਈ ਲੱਤਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਅਰੇ ਵੋ ਬੇਟੀ ਚੋਦ ਤੇ ਫੂਕੀ ਗਏ ਵੋ ਇਹ ਮਾਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾ ਜੋਗਣ ਮਾਰ ਦੀ ਤੋ ਹਾਥੀ ਕਾ ਗਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾ ਕੜੀਆ ਮੁਹੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਰ ਯੁੱਧ ਕੇ ਲੀਏ ਚਲਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹਾਦਰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਾਲੋ ਰੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹਾ ਉਦਲ ਨਾ ਆਵੋ ਨਾ ਖੇਤੋ ਕੇ ਵਾਜ ਗਈ ਜਬ ਉਦਲ ਉਠਰ ਫੜਦੇ ਵਰਦੀ ਲਈ ਲਗਾ ਲਖਨ ਬੋਲਾ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋ ਖੇਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾ ਜੋ ਧਾਕਨ ਵਜ ਕੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤੁਮ ਭਰਿਆ ਏ ਤੀਂਗੇ ਕੜੀਆ ਰੂਕੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣ ਦੋ ਮੁਹੱਬੇ ਕੇ ਬਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟੋਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਖੇਤਾਂ ਕੇ ਕੜੀਆ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਸੇ ਉਦਲ ਘੋੜਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾ ਆਖ ਸੇ ਆਖ ਮਿਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੰਬੇ ਕਾਲ ਥੁੱਕ ਤੁਮਾਰੀ ਰਜਪੂਤੀ ਮੈਂ ਥਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਕਤੀ ਕੋ ਨਾ ਇਬਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਡੂੰਗਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ ਕੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨਤਰੀ ਖੋਪੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬੁਰਜ ਫਲਗਾਤਾ ਔਰ ਇਬਕੇ ਥੈ ਜਾ ਇਬਕੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਤਨੇ ਇਬਕੇ ਤੇਰੀ ਖੋਪ ਉਹ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਥੀ ਖੋਪੜੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਲਗਾ ਦੇ ਔਰ ਇਬਕੇ ਫੇਰੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਇਲਮ ਲਾਵੇ ਤਨੇ ਲੈ ਜਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਬੇ ਕਾ ਮਤ ਕਹੀ ਨੋ ਬੋਲਾ ਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਸੇ ਖੋਪੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
सामने जब दोनों का फिर कड़िया ने दई जब गोलमदाजों को बुलवाया पड़े पली तामरी तोपों पे अब क्यों रखी देर लग फैर खुल गया कड़िया शिंका मर्दो देर करी को इंगा को प्याज सराजा कर उदल तोप दई दग दोनों दल में गोला बाजर धरती मांगे धर्म दवार दो घंटे भी बानी धुंधु काल दिया मछुआ तो बैगर मागी दोनों की तोप दरोगा कह रे क्या घड़िया टूट लई तो फांकी पड्डी गड़े रेत कह तो बिंगारे कह जू दह कह बिल्कुल हाथ दरिया नहीं जा शंकल कुंदी ताती होगी हुक्म दे दिया फिर दोनों ने तोप बंद दई कर तोप लड़ा जी बंद करवा के और सेना को दिया बढ़ा छाती मिल गई दोनों दल की पड़गी पेश खबर की मां चली मगर भी आहनगर बिरकोटा बूंदी की तरफ खदबत खदबत तेगा बाजर मंडल जोड़ दड़ी तरबा चले गोलिया पानी पत्कर घोड़ा काटे मही सभा लंबी छपिया गिरे वाली ऊपर करा भी निकी चले भाले नाग दमन के जो पसली कह हो जाता खटखट खटखट तेगा बाजर झाड़ में झाड़ चली तलवार अक्षर से तीज अक्षर मिल गया सिद्धारों से मिल छून लपेटा हाथी बन गए जिनके बल का नहीं शुमा पीलवानी आपस में जूझे जिन पे थी यूं किसकी मां ये डंग देखा जब यूदल ने घोड़े पर तय कूद गया सुमर भवानी हिंगलाज किरदय ने बैठ अरदाम उदल कूदा घोड़े पर तर पैदल बड़ा फौज के जिस घोड़े का पैर पकड़ ले दे मारे धरती के जिस हाथी के मां ने चला ओहे भरने लगे चुमाड़े सर मटने आने मर्दों ने खेता के बोला कड़िया पीलवान से पाजी लेगी मत रे हाथी पे बजा कुहाड़ा बजा कुहाड़ा पछावत पे मर्दो देर लगी को गोडी गाल दई हाथी ने कड़िया बोला दारू पा दे और अंकुश को दे बोलो दारू पा दी पीलवान ने अंकुश बिजली का ठाए फिर हाथी का अंकुश लाजर आगे कदम धरे को जाए राज खड़ा को बलाग देके बच्चे पशुआत ना जीत्या करे युद्ध में क्यों खाल काटे सी वो तो पानी मुल्तान गया जिसमें बर्फ गिर गिर पिया करता इन्हें मेरी माँ समझागी यो ना काम करे जीत मर जागा पर यो लपटे कोन्या मारे हाथी काम करे कोन्या इन तरह इतने समझागी और तू तो सहम अंकश मरवा उसी के अपनी बाजू से काम कर और कर हंस और बस पेटा भर गया कड़िया का कहानियों बस एकदम भभग गया और हाथी आगे ने करके और दोनों हाथा तलवार देकर अंबारी में खड़ा हो गया चादी कड़िया चिंगनर फैल गया खेतों के कौने कौने में चमके जालम कड़िया की तरफ बड़ा बहादुर था जम्बे का रे लड़ने में करेगा हुश बोल दी रे पाजी ने
खड़ा लड़े हो देखे माँ अफसर देखे रे यूदल के कहने लगे खेत के चाले कर गया मांडू वाला हो रणजीत उदय चंद्रा गया घोड़े पर कर में सूत लजी तरफ फिर घोड़े के झटका मारा और आगे ने दिया बट जहाँ पर हाथी पछावत था बिल्कुल काम करे कौन कड़िया जूझ रहा खेतों में मर्दो दीना बिजनवुट हाथी काम नहीं करता वो घूम रहा खेतों के अब हाथी की जड़ में घोड़ा लेके गया उदय चंद्रा आंख बचा के कड़िया चंकीर घोड़ा दिया बगल मेला एकदम जंप लिया यूदल ने हैने पर तय करी कला अंबारी के अंदर कूदा बैठा जहां कड़ंगार गर्दन पाकड़ के कड़िया की मुंह पर ने लाद के ऊपर फेड़ धरिया ऊपर ने मुंह कर कड़िया का मर्दो दिया लपेटा सूत के देगा दोनों हाथ रदा तो आगे दिया अड़ा काट दू तालवे के मैं कह देखा कुछ गिटी पकड़ के और दाता के शेर लगा दिया न बोला काट दू मां कह क्या हाथी को तंग कर रहा है बेकार में गधे के बच्चे जो मैंने ये कह दिया कि हाथी काम नहीं करेगा फिर उनके ऊपर अंकश बजा रहा है अब कड़िया उड़े मोश लिया और इन बोला कहा है वात्री जोगणे ये बुला ले मैं तेरी अंबारी में हूं और गेर के छाती में गोडा दे के और हाथों में हथकड़ी पैरों बेड़ी गले में जौलान कमर का बच्चा उगी मस्क बांध के और गेर अंबारी में और अपने घोड़े के ऊपर आ गया कहने लगा पीलवान से हाथी को फेर दो कैंप में ले चल और चलो कैंप में इब समेत पद साउथ हाथी और कड़िया अंबारी में और उदय राज लेके चलता है आवाज नकारे बाजन लगे जंगी ढोल दिया बजो लेकर के कड़िया छिंको फिर उदल चला कैंप में छोर माच गया कंपू के मर बैठे जहां बना फर लाखन दौड़ा कंपू मातिर अर्दो गया बीच में अब यूदल की कौड़ी भर के कंधे ऊपर लिया बिठा रे चाचा के बेटे मान गया गले बदलाता रहा न बोला यो रे समेत हाथी न बोला मान गए उदय राज धन है मान रे मेरी गल धोखा बन गया लाखन मना हाथी पकड़ दे गया अर ना कड़िया तो मैं जब करूं है ना यो काम न बोला मान गए मेरे जमावट होगी हाथी की गुस्तागी थी वहा न बोला करूं के हाथी ने मारी फेंक दिया मैं फिर मैं क्या करूं वहां नीच बैठी थी उन दवाई सुंगा दी न बोला ओहो न्यू पकड़ा हाँ अभी मैं क्या अंबारी में कूद गया जेबी का टीटवा पकड़िया था अब ना गेरो इसने कड़िया कैद कर दिया और सेना कुरिया पटिया जाके रिपोर्ट दई कि कड़िया सिंह गिरफ्तार हो लिया सूरजमल और अनूप सिंह दो रह गए एक मर गया एक पकड़िया गया एक कैद हो गया एक कैद हो गया एक मर गया कहने लगे राजा जंबे से बोले पिताजी क्या करें ओ बेटे जीत नहीं सकते उनसे इब तो मैं ये कहता हूँ कि माफी मांग लो अगर कड़िया को वह छोड़ दें और तो सुलह कर लो और कोई बात नहीं है उनका सामान मांगे वह दे दियो तो वहां ब्याह की शकीम तो थी नहीं वह तो बाद में बड़ी थी ओ मलखान ने बताई नहीं सब कागे उन्हें खुद पता था अच्छा राजा जंबे और दोनों लड़के अब वहां पैदल कैंप में आते हैं और आण के और हाथ जोड़कर राजा जंबे खड़ा हो गया
ताला सीध बोला, बोलो। नो बोला, जी मैं हार गया, तुम जीत गई। अच्छा ई मैं इसलिए आया हूँ कि सुलह कर लो, मेरे बेटे छोड़ दो। एक गुजर लिया और तुम्हारा बदला भी उतर गया, हमने बुढ़ा मारा था तुमने जवान मारा, ओ भी बराबर, ई तुम माफी दे दो। मलखान बोला, बात सुने, माफी लेना चाहता हो और तो बिजमान ब्याह दे उदय राज के। तो बोला है, बिजमा खुश है कती। तो मैं ब्याह दूंगा। बिजमा की हाकरी कड़िया छुटवा लिया और लेके कहने लग्या, तो आ जाओ आप ले गए बांध के मोड़ उदय राज के और उसकी भाड़ डलवाई। और फिर जम्बे कहने लगा, बैठ जाओ विद्या पे, विद्या पे बिठा के। और दाला सीध कहने लगा, बात सुनो, दान चाहे दो और चाहे मत दो, अगर सामान मारा सब मारा दो, मारा आलिया बिजलिया खांडा नौलक का हार ये आलिया। अच्छा और पार्स पथरी पीली चादर लाखा पातर, हाथी भी जा लिया मारा, चितरंगी घोड़ी लाल कमान, लाल कमान ये मारी दे दो। कड़े लगे अनोलखा हार नबलाओ तो आलिया। अच्छा घोड़ी दे गई मर, अरवा भेज दी थी बंगाल ले, उसका उड़ा लिया मरने का, हाथी तुम्हारा तुम्हारा धोर जा लिया, और सामान जो बकार था दे दिया। और बिजमा की शादी उदय राज के साथ हुई। और मेरे प्रेमिया जो किस्सा उठाया मैंने वो फुल भर दिया चीता कंपनी में। और कल प्रोग्राम और आगे शुरू होगा और ये इन भाग खत्म हो लिए। आत्मा की यही आवाज है, आत्मा की यही